सर, ये रहा पिछले एक महीने का कॉल रिकॉर्ड जिसमें समीर ने आयशा के साथ काफी बात किया है। इसका मतलब है समीर और आयशा झूठ बोल रहे हैं कि वो कम मिलते हैं और बात करते हैं। ये भी हो सकता है कि उन दोनों को कोई चक्कर चल रहा हो। और कोई सस्पिशियस नंबर मिला? हाँ सर, वो एक और नंबर पे बात करता है जो किसी अंजलि नाम की लड़की का है। अंजलि? शायद ये अंजलि वो कड़ी हो जो हमें आयशा और समीर को पकड़ने में मदद करे। हो सकता है सर, अंजलि का पता कुछ ही समय मिल जाए। गुड पटेल, अगर आयशा और समीर का कुछ चल रहा है तो फिर ये अंजलि कौन है जिससे समीर इतनी बातें करता है? ताल में कुछ काला तो ज़रूर है, और शायद मैं कहीं ना कहीं सही था ये सोचने में कि इस कांड में एक से ज़्यादा बंदे शामिल हैं। बस अभी ये पता लगाना है कि वो बंदे हैं कौन और नीरज को मारने में उनका क्या फ़ायदा हो रहा था। एक बार ये अंजलि का पता मिल जाए ना। हाँ हेलो पटेल सर, अंजलि का पता चल गया। अच्छा ठीक है सर, अंजलि का पता चल गया। गुड। थैंक यू। यू वेलकम। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही जरा पूछताछ करने आ गया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नीरज के एक्सीडेंट से मेरा क्या लेना देना है? ना मैं आयशा को जानती हूँ और ना ही नीरज को। लेकिन आप ऐसे एक शख्स को जरूर जानती हैं जो कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ा हुआ है। वो कौन है? समीर। समीर? समीर का इस केस से क्या लेना देना? वो दोनों को ही नहीं जानता। तो समीर ने आपको नहीं बताया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, और आप समीर पर क्यों शक कर रहे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन समीर गलत नहीं है। देखिए मुझे पता है आप मेरी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन समीर आयशा का बहुत अच्छा दोस्त है और समीर उससे बातें भी करता है। देखिए समीर ने मुझे कभी नहीं बताया आयशा के बारे में, लेकिन अगर वो अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से बात करते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? दोस्ती के बिहाब पर आप किसी पर शक तो नहीं कर सकते ना? देखिए मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरा काम ही शक करना है, और आप भी जरूर जानती होंगी कि एक मुजरिम कुछ और होना हो एक अच्छा एक्टर ज़रूर होता है, और जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिलते हम कुछ कर नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ और पता चले तो आप इस केस में हमें मदद करेंगे। मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया, और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि समीर बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। ओके, आपका टाइम देने का शुक्रिया। अगर इस केस के बारे में और कुछ पूछताछ करनी होगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। थैंक यू, चलता हूँ। थैंक यू। ये इंस्पेक्टर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। पता नहीं इससे अंजलि से क्या बात की होगी। एक चीज़ तो पक्की है कि इसने अंजलि को आयशा और मेरी दोस्ती के बारे में बताया हो। अब इसकी भी सफाई देनी पड़ेगी अंजलि को। क्या बोलूँगा कि अंजलि को मैं गलत ना लगूँ? इंस्पेक्टर को समीर पर शक क्यों हो रहा है? मुझे तो पूरा यकीन है कि समीर ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता है, फिर पुलिस मुझसे पूछताछ क्यों कर रही है? क्या अंजलि तू समीर पर शक कर रही है? इंस्पेक्टर का तो काम ही है हर इंसान पर शक करना, और समीर तो आयशा का दोस्त है, शायद इसीलिए इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए होंगे। साला लगा था कि सब ठीक से हो गया है, पर
पर इस इंस्पेक्टर ने तो नाक में दम कर दिया है। इसी को रास्ते से हटा दो क्या? मैं भी क्या बकवास चीजें सोच रहा हूं, पुलिस वाले को मारेगा पागल। चल पहले अंजलि के साथ मामला ठीक करता हूं। अंजलि, कुछ खाने को है क्या? आई एम वेरी हंग्री। आज ऑफिस में इतना काम था। अंजलि। हाँ समीर, तुम कब आए? तभी से जब से तुम अपनी ख्यालों में खोई हुई हो। समीर, इंस्पेक्टर साहब घर आए हुए थे और उन्हें नीरज के एक्सीडेंट केस में तुम पर शक है, क्योंकि तुम आयशा के दोस्त हो और तुम घंटों उससे बात करते हो। देखो अंजलि, मैं तुम्हें खुद ये सब बताना चाहता था, लेकिन नीरज के जाने के बाद आयशा बिल्कुल अकेली हो गई थी। और तुम्हें पता है, वो इतनी दुखी है, इसलिए मेरा थोड़ा फोकस उसके प्रति ज्यादा हो गया है। अभी देखो, ये मैं मानता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन बेबी वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तुम तो सबको जानती हो ना, लेकिन इस इंस्पेक्टर के कारण तुम उस पर शक कर रही हो। नहीं समीर। अच्छा, तो तुम इतनी बातें उसे सपोर्ट करने के लिए करते थे? हाँ, देखा तुम कितना मुझे समझती हो ना। पता बेबी, मैं तुम्हें ना इन सब चीजों में ना घसीटना नहीं चाहता था। मुझे पता था तुम गलत हो ही नहीं सकते। आई प्राउड ऑफ यू, तुमने आयशा को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू बेबी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आयशा से तो मजे ले लिए, अब उस हरामखोर समीर को मजा चखाने की बारी है और पैसे कमाने की बारी है। उसने मुझे नीचा दिखाया था ना। मैं तुझे कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कटिंग नहीं। समीर, वीडियो सेंड। समीर को फोन लगाता हूं। हेलो। लगा 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 रे, शौक लगा ना। अबे कौन है बे हरामजादे? अबे पहचान रहा है क्या? साले जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बस, डर गया मैं, बहुत डर गया। देख देख, मेरे हाथ पांव दोनों हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, मोबाइल भी कांप रहा है, थर थर कांप रहा हूं मैं। बहुत डर गया हूं मैं। साले तू ऐसे नहीं सुधरेगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, तेरे घर में घुस के मारूंगा। पहचानता तू मुझे? तू है कौन बे? चल बता दिया, मैं वो हूँ जिसे तूने अंजलि के घर से बेइज्जत करके निकाला था, धक्के मार के निकाला था। बोना, अबे
क्या बोलते नमन राइट, और तुझे लोग प्यार से कटिंग बुलाते हैं ना? हाँ मैं वही हूँ जिसे लोग प्यार से कटिंग बुलाते हैं, और अगर मैंने तेरा ये वीडियो वायरल कर दिया तो तू सोच तुझे लोग प्यार से क्या बुलाएंगे। बोल बोल। अबे बोने है। ये भूल कभी करने की कोशिश भी मत करना। भूल नहीं बेटा, ये हकीकत है। तू ये मत भूल कि मैं अंजलि को जानता हूँ, और तेरा और आयशा का कांट मेरे मोबाइल में कैद है। जब चाहूँ तेरी चिट्ठी उतार सकता हूँ। अबे साले तू तो खुद साले चिट्ठी भर का है। तू चुप, मेरी चिट्ठी उतारेगा? चुप चुप, बहुत हो गया। आखिरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि मैं ये क्लिप अंजलि को या पुलिस को ना दूं, तो 20 लाख रुपए रेडी रखना और मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। और सुन, ये सब आयशा को बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? क्या हुआ फटीना? चल अब फोन रख, रख मुझे बोर मत कर। छूटिया साला पौना। राजा बनने की फीलिंग आ रही है।